वेलकम टू एप्पल स्पेशल क्विजिंस। मैं बेंगलोर में रहता हूँ तो साउथ इंडिया कुछ स्पेशल डिश बनाना चाहिए, तो आज मैं सोच रहा हूँ साउथ इंडिया का एक बेस्ट डेलिकेसी बनाऊंगा और वो है पनीर घी रोस्ट। तो चलिए बनाते हैं। पनीर घी रोस्ट बनाने के लिए लिया है 300 ग्राम पनीर और दो ऑनियन मैंने कट कर लिया है बारीक से, यू कैन सी इट। 2 टेबलस्पून ऑफ घी, 2 टेबलस्पून ऑफ कर्ड एंड 2 टेबलस्पून ऑफ इमली का पानी। फिर लिया है 2 टेबलस्पून धनिया, 1 टेबलस्पून ऑफ सौंफ, 1/2 टीस्पून ऑफ मेथी, 1 टेबलस्पून ऑफ जीरा, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 3-4 लौंग। फिर मैंने लिया है 6 कश्मीरी रेड चिली, 4 गुंटूर रेड चिली, 8-10 क्लोव ऑफ गार्लिक, 1 इंच जिंजर। फिर यहाँ पे थोड़ा सा अराउंड 1 टीस्पून गुड़ ले लिया है। फिर यहाँ पे लिया है 2 स्ट्रैंड ऑफ करी लीव्स। फ्राई पैन मैंने स्टोव में ले लिया है, यहाँ पे डाल देते हैं कश्मीरी रेड चिली, 1 गुंटूर रेड चिली। अब इसे फ्राई करेंगे ऑलमोस्ट 30-40 सेकेंड्स। फिर इसे निकाल देते हैं। फिर ले लेते हैं धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, ब्लैक पेपर और लौंग। इसे हम लोग अभी फ्राई करेंगे ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए, तब तक इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। फ्राई हो गया है, अभी इसे निकाल देते हैं और छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। फ्राई किया हुआ खड़ा मसाला अभी ठंडा हो गया है, एक मिक्सर जार में ले लेते हैं इसको। अभी इस पे डाल देते हैं जिंजर, फिर गार्लिक, फिर इस पे डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑफ टमरिंड वाटर। फिर इसमें ऑलमोस्ट 4-5 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। फ्राई पैन में मैंने 2 टेबलस्पून घी ले लिया है, अभी एक एक करते हुए अपना पनीर यहाँ पे फ्राई करते जाएंगे। पनीर को थोड़ा पलट देते हैं चारों तरफ से, थोड़ा लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अभी सारे पनीर थोड़ा चारों तरफ से लाइट ब्राउन कलर हो जाए। पनीर अभी फ्राई हो गया है तो इसे अभी एक प्लेट पे निकाल देते हैं। स्टोव पे मैंने कढ़ाई ले लिया है, उस पर ले लेंगे घी। ये वही घी है जो हम लोगों ने पनीर फ्राई करने के बाद बचा हुआ था, उसको ही यूज कर लेंगे। अभी इस पे डाल देंगे चॉप्ड ऑनियन, फिर ऑनियन को हम लोग फ्राई करेंगे 3-4 मिनट के लिए, थोड़ा इसका कलर चेंज होके लाइट ब्राउन कलर आ जाए। ऑनियन फ्राई हो गया है, इस पे अभी डाल देंगे हम लोगों का मसाला वाला पेस्ट जो हम लोगों ने बना के रखा था। फिर इसे मिक्स कर लेते हैं। फिर मिक्सर जार में थोड़ा आधा कप पानी लेके वही पानी यहाँ पे डाल देते हैं। फिर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और फ्लेम को मीडियम में ले लेते हैं। फिर लीड बंद करके मसाला को पकने के लिए देंगे ऑलमोस्ट फॉर 3 मिनट्स। मसाला भी फ्राई हो गया है, इस पे डाल देते हैं नमक। अभी फ्लेम को लो में ले लेते हैं, फिर डाल देंगे कर्ड,
फिर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इस पे डाल देते हैं अभी गुड़। गुड़ नॉर्मली क्या करता है, डिश का जो खट्टा और तीखापन है वो थोड़ा कम कर देता है। फिर ले लेते हैं आधा कप पानी। मसाला अभी अच्छी तरह से पक गया है। तो इस पे डाल देते हैं अभी अपना फ्राइड पनीर। फिर डाल देते हैं करी पत्ता। फिर इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और लो फ्लेम में कुक करेंगे इसको फॉर ऑलमोस्ट 3 to 4 minutes। लीड बंद कर लेते हैं। अरे वाह, कितना अच्छा स्मेल आ रहा है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रखा है, आप देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो और थोड़ा ड्राई भी रख सकते हो। सो इट्स रेडी टू सर्व नाउ। सो फ्रेंड्स, डिलीशियस पनीर घी रोस्टी रेडी ना। बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है, रियली बहुत वाटरिंग। प्लीज डू ट्राई दिस एट योर होम। वीडियो देखिए, बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज ऋत्विक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक यू।